आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? तो आइडिया ये था कि इसी सेंसिटिव और इमोशनल सब्जेक्ट को किस तरह से ह्यूमरसली हम प्रेजेंट करें। जब मैंने वो सीन्स किए, जब मैंने वो फिल्म पूरी कंप्लीट की, तो मुझे एक लग रहा था कि मैं कैसा भी रोल अभी अटेम्प्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। सब माँ ही होती है जिसका प्यार इतना ज़्यादा सेल्फलेस होता है कि वो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू, आई एम सो सो हैप्पी। अब हमें भी हैप्पी करो। लेकिन 20 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख गुड वन। पैसे मिल रहे हैं, इतने सारे पैसे एक साथ देखे कभी? मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं। और पैदा कहाँ से करोगे? पीछे से। हेलो दोस्तों, लोकमत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो दोस्तों, 30 जुलाई को हम सभी को खुशखबरी मिलने वाली थी, लेकिन क्या करें कि मिमी ने हमें 4 दिन पहले वो खुशखबरी दे दी। डिलीवरी जो है थोड़ी जल्दी हो गई, पर क्या है ना, अगर खुशखबरी जल्दी मिलती है ना तो दिल में बड़ा आनंद हो जाता है। क्यों, मैंने सही कहा? मिमी की पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ है। मिमी साथ में है, कृति सैनन साथ में है, और है फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत में। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी बधाइयां आप सभी को, क्योंकि ट्रेलर ने तो धमाका कर ही दिया था। और मैं बोलना चाहूंगी, मेरे को ट्रेलर देख के लगा कि मैं स्टोरी को थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसी होगी, बट फिल्म देखने के बाद ना मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बहुत मजेदार फिल्म, बहुत मजेदार। थैंक यू सो मच। और ये जो आपने बात बोली है, ये एक लौता नेगेटिव पॉइंट जो आ रहा था ट्रेलर को, अरे पूरी कहानी बता दी एंड ऑल, सो दिस इज एक्चुअली द आंसर टू ऑल दोस पीपल। बिल्कुल नहीं था। कृति, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, फिल्म के डायरेक्टर मेरे सामने मौजूद है, मगर यू नेल्ड इट। मैं जब स्क्रीन पे आपको देख रही थी, मुझे बरेली की बर्फी की वो लड़की याद आई जो कानपुर में ए लप्पड़ मारूंगी ऐसे करूंगी, और जब स्क्रीन पे आई, जब मैंने मिमी देखी तो ए पैसे दे दी, पैसे तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, पंकज जी के लिए मैंने फिल्म ज्यादा देखी थी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पूरी फिल्म में मैं आपसे नजर नहीं हटा पाई। बहुत उम्दा एक्टिंग, बहुत शानदार। कृति, पहला सवाल मेरा यही है कि फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे था, मतलब ऐसा नहीं है कि सरोगेसी पे पहली ऐसी हमने फिल्म नहीं देखी है, बट इसको बहुत ह्यूमरस तरीके से दिखाया। फिर फिल्म उसके बाद एक आपकी, मतलब फर्स्ट हाफ में आप कुछ और थे, सेकंड हाफ में आप कुछ और थे। आपके लिए मिम्मी ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है? उसके अलावा अब आपका परसेप्शन प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर और सिंगल मॉम्स को लेकर क्या है? मेरा परसेप्शन प्रेग्नेंट लेडीज और हर तरह की मॉम्स को लेकर ये है कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली पहले भी थी, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट दे गो थ्रू अ लॉट मोर नाउ। एंड व्हेन वुमेन आर प्रेग्नेंट, जो हमारे उनकी बॉडीज में जो होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, हंगर पैंस होते हैं, ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होता है, वो नौ महीने में इतना कुछ होता है उनके साथ जो दिखता भी नहीं है बाहर अच्छे से। एंड टू कैरी अ चाइल्ड इन योर वूम फॉर 9 months एंड देन टू गो थ्रू द डिलीवरी पेन, विच आई थिंक इज प्रोबेबली द मोस्ट पेनफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड देन टू जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फलेस लव। आई डोंट थिंक मदर्स के अलावा सब माँ ही होती है जिसका प्यार इतना ज़्यादा सेल्फलेस होता है कि वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए। एंड दैट ऑब्वियसली I felt and I understood a lot more film shoot करते हुए। Sorry, आपका दूसरा question क्या था? किस तरह से film ने आपको, क्या आपकी life में कुछ impact पड़ा है, कुछ changes आए film के बाद? I just feel कि कुछ filmें, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कहीं, but कुछ filmें ऐसी होती है जो आपके अंदर ना कुछ खोल देती है, कुछ ऐसी गांठ होती है जो खोल देती है, और आपको suddenly ये realize होता है कि मैं और ऊपर उड़ सकती हूँ, यू नो, मैं और कुछ कर सकती हूँ। सम फिल्म्स गिव यू दोज विंग्स, यू नो, टू फ्लाई, टू डू मोर देन व्हाट यू डू नॉर्मली। एंड आपको अपनी पोटेंशियल एज एन एक्टर, अपना मेथड, अपनी, यू नो, और चीज़ें अपने बारे में पता चलती हैं।
एंड दे गिव यू दैट कॉन्फिडेंस दैट मिमी डिड. जब मैंने वो सीन्स किए, जब मैंने वो फिल्म पूरी कंप्लीट की, तो मुझे एक लग रहा था कि मैं कैसा भी रोल अभी अटेम्प्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है. मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी, जो डिलीवरी वाला सीन था ना, मतलब लिटरली मेरे गूज बम्स थे. आप रो रही थी, वो आपका वो कनेक्शन ना आपके व्यूअर तक जा रहा था. सीरियसली मजा आ गया था देख. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लक्ष्मण सर, बिकॉज ही वाज वेरी क्लियर. ये डिलीवरी सीन जो है, ही वांटेड टू शूट इट द रियल रॉ वे. एंड आई डोंट थिंक ऐसा सीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किया गया है. हम हमेशा छू के निकल जाते हैं या कॉमेडी निकाल देते हैं, लेकिन तीन चीखे मार के बच्चा पैदा नहीं होता है. सो बिल्कुल वो जो पेन है, ही वांटेड नॉट ओनली वुमेन बट आल्सो मेन टू फील इट. एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कम अक्रॉस लाइक दैट. बिल्कुल लक्ष्मण सर, आपके आपसे मेरा सवाल ये है कि डेफिनेटली डायरेक्शन आपने एक एक चीज एक एक सीन को बहुत नेचुरल लगा देख के, लेकिन अगर मैं फिल्म की बात करूं, कॉन्सेप्ट सरोगेसी जो शायद अभी तक भी हमारे मतलब बहुत, अगर चलो बड़े शहरों में तो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन छोटे शहरों में तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब भी नहीं पता होगा. उसके बाद सिंगल मॉम, उसके बाद मतलब हर तरह का एक तरह से एक बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होती है. आपके मन में कभी अप्रिहेंशन था कुछ की पता नहीं स्क्रिप्ट है कैसे मतलब हो पाएगा, मतलब कुछ ऐसा आप कभी कोई डाउट था मन में? डाउट कभी नहीं था, अगर डाउट होता तो मैं करता ही नहीं. डाउट नहीं था. ये फिल्म बेस है, इंस्पायर्ड है एक मराठी फिल्म कॉल्ड मला आई वाइज है. तो उस फिल्म से हमने सिर्फ सोल लिया है, फिल्म का हार्ट लिया है, एंड फिर हमने हमारी कलरफुल दुनिया सजाई. बिकॉज वो जो ओरिजिनल फिल्म थी दैट वाज इमोशनली हेवी फिल्म. और आइडिया ये था कि आज के तारीख में हम लोग जिस स्टेट ऑफ माइंड में गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में, हमें इतना इमोशनली हेवी कुछ देखना नहीं है बिल्कुल किसी को भी. तो आइडिया ये था कि इसी सेंसिटिव और इमोशनल सब्जेक्ट को किस तरह से ह्यूमरसली हम प्रेजेंट करें. हंसते हंसते रुलाए, रुलाते रुलाते हंसाए, और फिर हंसाते हुए एक अच्छा सा मैसेज देके निकल जाए. जैसे आपने कहा कि सरोगेसी, एक्चुअली सरोगेसी शुरू हुई थी स्मॉल टाउन से. मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है सर, बट एक्सेप्टेंस नहीं है इसका. एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वही टूल हमने यूज करके कि ऐसे होता था, ये रियल स्टोरी है. मतलब ऐसे होता था, कई फिरंग्स आते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा देश गरीब है, तो कई आते थे, कई औरतें सरोगेट बनती थी, और वो लोग कई बार बीच में बच्चा छोड़ के निकल जाते थे जी. और फिर क्या होता था, तो उस बेस को लेके हमने एक सोचा कि इसको इसी को मतलब सेंसिटिविटी इमोशंस अपनी जगह पे रहते हुए यही स्टोरी यही कहानी लोगों को हंसते हंसते बताई जाए, तो वो अप्रोच था शुरू से. बिल्कुल कृति, वेट भी काफी बढ़ाया आपने मुझे लगता कुछ सीज में, तो मतलब आपके चेहरे पे वो दिख रहा था. मुझे लगता है मतलब तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम डाउट कर रहे हो. पहले मुझे लगा कि शायद मे बी कैमरा एंगल, बट देन आई रियलाइज नहीं, वेट बढ़ा. मैंने 15 किलो बढ़ाया था. तो घटाया कब, बढ़ाया कब, कैसे हुआ ये सब? बढ़ाया कुछ 2-2.5 महीने. तो लॉकडाउन शुरू किया था हमने. हाँ, घटाया तो मैंने लॉकडाउन में घटाया. और मतलब अपने मन पसंद. हाँ जी. 2.5 months हमारी एक स्केड्यूल हुआ था जो मंडावा में, जो पहले हाफ का पोर्शन है जब वो प्रेग्नेंट नहीं है, और जब कुछ 2-3 महीना प्रेग्नेंट है, और फिर जब मैं वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए बाहर निकलती हूँ 4 महीने बाद वो लोग आते हैं जब वापस, तो आपने एविडेंटली देखा होगा कि मैं थोड़ी सी फूल गई. मैंने बोला भी सीन में ही, मैंने बोल दिया मोटी हो गई ना, मैंने बोल ही दिया था उसमें. तो उस स्केड्यूल से पहले बीच में 2 महीने का गैप था, तो इन दैट 2 months आई हैड टू पुट ऑन 15 किलोस, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं विलिंगली 15 किलो चढ़ाऊंगी. और घटाने में हमारा जैसे ही स्केड्यूल खत्म हुआ, हम वापस आए, 10 दिन में लॉकडाउन हो गया था, तो I had no choice but to do it. Most of it I did it घर पे ही, but फिर थोड़ा बहुत जो बच गया था वो जैसे ही जिम्स खुले हैं, I was the first person to go inside. अच्छा लक्ष्मण सर, अगर लास्ट फिल्म की बात करूं तो बरेली की बर्फी में पंकज जी और कृति बाप बेटी का किरदार में थे, तो इस फिल्म में थोड़ा कुछ अलग किरदार है, तो आपको कुछ मतलब दोनों कैसे आपने उस किरदार में फिट किया, और आपके मतलब जब आप ये स्क्रिप्ट जहन में आई तो कृति और पंकज जी थे आपके जहन में शुरू से? जब ये कहानी क्रैक हुई ना,
और हमने लिखना लिखना शुरू करने से पहले जब कहानी क्रैक हुई तो मिमी को और पंकज जी को सोच के ही हमने लिखना शुरू किया रोहन ने, और जब स्क्रिप्ट खत्म हुई उसके बाद हमने उनको नरेशन दिया, तो हमने पहले इमेजिन कर लिया था कि ये कर रहे हैं फिल्म। अब स्पेशली क्या होता है जैसे कि जिस तरह का मिमी का और भानु का मैंने पंकज जी का जो प्योर ह्यूमन रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए या फिर उस तरह का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए नो उतने ही डेप्थ वाले लोग चाहिए होते हैं नो, जो कि पंकज जी भी है और मिमी खुद भी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल उनका अगर फिल्म में आप रिलेशनशिप देखो तो इतना प्योर बॉन्डिंग है उनका बहुत ज्यादा, तो वो और इस तरह के रिलेशनशिप मेरे ख्याल से बहुत ही फ्रजाइल होते हैं और हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वो आइडिया शुरू से जब कहानी क्रैक हुई थी तब से ही भानु और मतलब पंकज जी और मिमी हमने हमने कास्ट कर लिया था बगैर मतलब। सोचिए कृति लक्ष्मण सर इतने हो गए कि आपको कृति नहीं मिमी बोल रहे हो। कुछ बच्चे अपनी माँ को मिमी बोलते हैं। मैं अपनी मम्मी को मिमी बोलती हूँ एग्जैक्टली, मुझे लगा शायद वही है बट आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया बिल्कुल। कृति फिल्म जो है आपने बहुत सारे किरदार बहुत सारे उसमें स्टार्स आपके साथ थे, बट जो जिस तरह से एक सरोगेसी को सोसाइटी में लिया देखा जाता है टैबू है एक्चुअली में, मतलब नहीं एक्सेप्ट करते, औरतों को बांझ बोल देंगे, बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको लगता है कि आप ये इस फिल्म के बाद शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आए लोगों में जो मदर्स जो नहीं माँ बन पा रही है, क्या उनके लिए एक एक पॉजिटिव होप है सरोगेसी? यस Yeah, surrogacy. There have been so many incidents and cases in our industry itself. जो बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे तो उन्होंने they opted for surrogacy and there are so many families who are full of you know a child's laughter because of surrogacy. तो वो तो है ही, तो surrogacy भी है, adoption भी है, हमने दोनों चीजें आपको दिखा दी है, कुछ भी कर सकते हैं आप, but I feel like yeah it is it's a great deed to give someone a child who can't have it themselves. मतलब माँ बनने के लिए ममता चाहिए, doesn't mean कि आप उसे deliver कर रहे हैं या आप उसे adopt कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण सर मैं अभी ट्विटर पे ही पढ़ रही थी, बहुत जगह लोगों ने ये बोला कि अगर ये फिल्म हॉल पे रिलीज होती, क्योंकि फिल्म सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला व्यूअर्स का, तो शायद नंबर्स कुछ ज्यादा होते या कुछ यू नो बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता, तो आपको लगता है कि फिल्म को कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव रहा कि थिएटर पे रिलीज नहीं हो पाई, ओटीटी पे रिलीज करनी पड़ रही है? एक्चुअली वो ट्विटर पे पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है इट वुड हैव क्रॉस 100 120 यस 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 बट द थिंग इज दैट वुड इट क्रॉस दैट नंबर टुडे आई डोंट नो कितना लोग कंफर्टेबल हैं थिएटर जाने के लिए। ऑफ कोर्स हम लोगों ने जब फिल्म बनाई थी हमने थिएटर के लिए ही बनाई है बिल्कुल, एंड ये ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग जाकर ग्रुप्स में जाकर फैमिली पूरी जाकर थिएटर में देखे वो मजा ही कुछ और होगा इसका। इट टेक्स यू थ्रू मेनी इमोशंस एंड इट विल, आप जब थिएटर जाते हैं तो आपका मन करता है बहुत अच्छी कहानी देखे और खुशी खुशी बाहर आए यू नो, एंड मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था जब कोई कहानी मुझे मूव करे कि मैं रोऊं भी बीच में यू नो, वो अंधेरे में अपने आप रोकर आंसू पोंछ लो, वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हमने यही सोचा था कि होगा बट अभी 1.5 साल तक भी we kind of held on to the film you know our producer Dinu held on because he knew how special it is but I don't know when theaters are going to really open and actually even if they open I don't know ki logo ke dimag mein kitna normal hoga mujhe main puchu agar khud ko main apni family ko leke jaungi theater I don't think so right now so then how can I expect people to come but aise mein mujhe lagta hai kuch filmon ki destiny अपनी हर फिल्म अपनी डेस्टिनी के साथ आती है एंड आई फील कि इस टाइम में ऐसी फिल्म डिजिटली आना यू नो लोगों को आई थिंक दे ऑल नीडेड टू वॉच अ फिल्म दैट गिव्स देम दैट हैप्पीनेस एंड जॉय यू नो एंड दैट फैमिली एक्सपीरियंस इट्स वन ऑफ द रेयर फिल्म्स दैट पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है
you know, and I'm happy that they all are enjoying and they're feeling that happiness. And so many calls, मुझे इतने सारे आए हैं कि you know, बहुत time बाद हमने family के साथ एक film देखी और enjoy की. So if we are giving that joy to them, maybe it ये film की destiny में ये था. And I'm so glad that it's getting the appreciation that it deserves. And the intention was same, like we made a family film. I mean, we were hoping that theater में लोग family के साथ आके film को enjoy करेंगे. But वो नहीं हुआ. But एक अच्छी बात हो रही है कि इस माहौल में घर में लोग फैमिली के साथ बैठ के मिमी देख रहे हैं. बिल्कुल देख रहे हैं सर. बिल्कुल. आई थिंक हमारा इंटेंशन तो फुलफिल्ड हो गया. बिल्कुल. लक्ष्मण सर, अभी जैसे आपने हमने बात करी कि जैसे कृति ने बोला कि हॉल से जब निकलते तो मन करता अच्छी कहानी होनी चाहिए, बट आपको लगता है कि अब ओवर द इयर्स जो लोग है, जो ऑडियंस है, वो कंटेंट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्टार्स के ऊपर. यू नो, डजंट मीन कि फिल्म में कोई बड़ा स्टार हो तभी फिल्म चलेगी, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो शायद ऑडियंस उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाती है. बिल्कुल. मैंने अभी 5-6 दिन पहले प्रियदर्शनी सर का एक कोट पढ़ा था और उन्होंने लिखा था कि ये लास्ट जनरेशन थी स्टार्स की. दैट्स ट्रू 100%. अभी का जो इसके बाद कंटेंट ही स्टार है. सो आई एम कंप्लीटली एग्री विद दैट. एक्चुअली आगे से आने वाली जो फिल्में हैं, फिर आज का जो ऑडियंस है, उनके लिए कंटेंट, फिल्म अच्छी होनी चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, कौन कर रहा है. मैं अभी पंकज जी का कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं ना एक आलू की तरह हूँ, मतलब मैं भिंडी के साथ भी चल जाता हूँ, मैं गोभी के साथ भी हूँ. तो आप अग्री करेंगे कि पंकज जी को कहीं फिट कर देंगे वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं उसके साथ? कंप्लीटली. पंकज जी आलू की तरह ही, बिरयानी में भी जाते हैं, मटन में भी जाते हैं, सब्जी भी बनती है, हर जगह अपना जाके अपना स्वाद लोगों को दे देते हैं. कृति, करियर आपका जो ग्राफ है ना वो यूं ही जा रहा है, मतलब बिल्कुल जाए डे वन से और अब तक. मैं बोलूं मीमी ने तो शायद मेरा भी परसेप्शन बहुत बदल दिया है. आपको लगता है कोई अगर आप अपने करियर को पीछे देखती है तो कहीं कोई किसी बात का रिग्रेट होता है कि मुझसे शायद यहाँ कोई गलती हो गई या कुछ मैं नहीं कर पाई, ऐसा कुछ रहता है कृति अभी जहन में? आई थिंक एवरी फिल्म जो मैंने की है, हर फिल्म या तो उसने मुझे आगे बढ़ाया है या फिर कुछ सिखाया है. तो आई थिंक वो हर एक फिल्म जो है वो आपकी जर्नी को कॉन्ट्रीब्यूट करती है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं. तो आई डोंट थिंक मैं उसमें से कुछ भी कहूँगी कि आई रिग्रेट एनी थिंग. यस, वन थिंग दैट आई वॉज लुकिंग बैक एक्चुअली व्हेन आई कंप्लीटेड 7 years ऑफ हीरोपंती एंड 7 years ऑफ बींग इन द इंडस्ट्री एंड आई रियलाइज दैट आई हैव बीन टेरिबली स्लो इन द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी. आई हैव हैड 7 years एंड 8 releases विच इज पथेटिक. सो आई थिंक आई मीन मेरी बहुत सारी अभी लाइंड अप है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग विच आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स. But I think in the beginning ये भी होता है, when you don't come from a film background तो आपके पास options ही थोड़े होते हैं. अब उसमें भी हम कई बार choosy हो जाते हैं and we don't end up doing too many films and we are too selective. So I think वो धीरे धीरे वो डर जो है ना वो धीरे धीरे हटता है and then you start taking risks and you start working more. So yeah, if I could change one thing, I would have probably worked more. But Kriti, don't you think कि आपके व्यूअर्स, आपके फैंस आपको आपके हर एक किरदार के लिए आपको प्यार करते हैं, चाहे वो आपका बरेली की बर्फी में था या आप हीरोपंती की बात करें, चाहे आप मैं तो दिलवाले, मतलब कोई फिल्म ले लीजिए आप, आपको लगता है कि हर किसी कोई ना कोई आपका किरदार सबको इतना कनेक्टेड फील करता है? दैट्स ट्रू एंड दैट इज द अटेम्प्ट कि आपका हर कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल रहे लोगों के लिए एंड अपनी एक पहचान उसकी हो एंड दैट इज द अटेम्प्ट. So I'm glad that they do connect with all the characters. नहीं, पर पंकज जी के साथ तो आपकी सबसे ज्यादा फिल्म लग रही है, मुझे पंकज जी के साथ ही लग रही है, ऐसा है क्या? सबसे ज्यादा मैं उनके साथ ही करी है, बस एक को एक्टर है जिनके साथ बहुत ज्यादा की है, that's him. And in fact, he's there in Bachchan Pandey also. Oh, yeah, 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 yeah. अब प्रेगनेंसी में बात करते हैं, कुछ प्रेगनेंसी के मिथ्स आप लोगों को कभी सुना? जैसे मुझे लगता है कि कोई कहता है नारियल खाओ बच्चा गोरा पैदा होगा, तो ऐसा कर रहे हैं? देखी नहीं हमने, फिल्म के अंदर ही हमने ये सारे बोल दिए हैं जो गोरा बच्चा वाला जो सीन है. घी खाओ तो बच्चा गोरा होता है. अच्छा, क्या सर, क्या बोला आपने सर? घी ज्यादा खाओ तो. घी खाओ. और क्या मिथ्स आपने सुने प्रेगनेंसी को लेकर आप दोनों ने? मिथ्स तो जितना हमको चाहिए था उसपे हमने काफी वर्क किया था, जैसे कि प्रेगनेंसी में यू फील लाइक ईटिंग वेरियस थिंग्स. बट दैट्स नॉट अ मिथ्स दैट यू डू ना. या जैसे कि कई औरतें मिट्टी खाते हैं. हां हां हां.
तो मैं आपको एक बात बताऊं उसमें क्या होता है, इस सब का साइंटिफिक एक चीज है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही होती है, इसलिए आप चूना स्लेट ये सब चीजें कैल्शियम है. वो चीजें बहुत लॉजिकल हैं, बट ये जो मिथ्स है वो रंग रूप उस ऐसा बच्चा पैदा होगा, ये लड़का होगा लड़की होगा वो भी लोग बता देते हैं. हाँ वो भी लोगों को लगता है कुछ खाने से लड़का होगा, आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक. एग्जैक्टली. कृति, जब मैं आपके जो शुरुआती सीन्स हुए प्रेगनेंसी के, चाहे वो आप चौक खा रही थी, वो बहुत चीजें आप खा रही थी, कभी वनीला आइसक्रीम ले रही हैं, कभी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहा बच्चे का मूवमेंट, तो मतलब कैसा आपको लगा, आपको लगा कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने बहुत रिसर्च की थी, तो अभी जब मैं प्रेग्नेंट होंगी लाइफ में मुझे सब पता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. और सारी चीजें घर में लाके रखेंगे, मैं लक्ष्मण सर को कॉल करूंगी. बट हाँ, आई वॉज काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि कितनी सारी चीजें होती हैं, यू नो, वो सीन है जहाँ पे उल्टी लग रहा है कि उल्टी आती है, फिर तो सो दैट, और वो बहुत कुछ खा रही है, देन वी ट्राई टू शो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन, दैट राउंड ट्रॉली शॉट, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रही है खुद ही, और अलग अलग चीजें खा रही है. तो मेरे सामने वो प्लेट में उन्होंने पता नहीं 10 चीजें रख दी थी, एंड आई वॉज मेकिंग वियर्ड कॉम्बिनेशंस like of like banana with some chips and मतलब मैं बहुत अजीब और गरीब combinations खा रही थी, and सारा time नींद आती है, you know, और जब रात को सो रहे हो तो position समझ में नहीं आती है, so that was a very interesting fun montage song that we all did, मुझे बहुत मजा आया था वो करते हुए. Exactly. अब मैं आपको कृति कुछ मिम्मी मतलब basically मिम्मी को react करना है अति संस्कारी aunties के कुछ बातों पे. पांच ऐसी बातें हैं जो अति संस्कारी आंटीज जो आजकल की लड़कियों को बोलती हैं. आप लक्ष्मण सर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप मिमी के नजरिए से इसको आपको रिएक्ट करना है. तो मैं शुरू कर रही हूँ. अरे शादी को 1 साल हो गए, गुड न्यूज कब दे रही हो? अपने बेटे को पूछो. अपने बेटे को पूछो. अरे तो अरे मिमी, तुम्हारी वो दोस्त जो है सारे लड़कों के साथ दिन भर घूमती रहती, कुछ समझाती क्यों नहीं हो उसे? तो सारे लड़कों के साथ रात भर घूमने दो का. 24 की हो गई हो मिमी, शादी कब करोगी? शादी कब करोगी? अभी तो फिलहाल एक सरोगेट बच्चा पैदा कर रही हूँ, उसके बाद होती है कि नहीं होती है अभी पता नहीं मुझे. अरे मिमी, सब बड़े लोग बैठे हैं, टांग पे टांग लेके ऐसे कैसे बैठी हो? तेरा लड़कियों की तरह बैठो. लड़कियों की तरह बैठो? क्यों लड़कियों की तरह बैठो? लड़कियों की तरह बैठना क्या होता है? ये किसी ने किताब में लिख रखा है कि लड़कियां ऐसे बैठती है? किसी और का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो मिमी, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है. लेकिन 20 लाख मिल रहे हैं. पैसे बोलो ना, पैसे पैसे मिल रहे, इतने सारे पैसे एक साथ देखे कभी? अच्छा, अब क्योंकि टाइम कम है, बट आप लोगों व्यूअर्स को ये जरूर बताना है कि वो मिमी क्यों देखे अपने स्टाइल में. मिमी पहले तो आपको अपने स्टाइल में बताना है. मुझे मेरे एक्चुअली मैं मेरे स्टाइल में बताऊंगी कि मिमी जो है वो मेरे लिए बहुत खास है एक्चुअली, और ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको बैठा के देखना. आपको बहुत हंसाएगी, आपको रुलाएगी कहीं कहीं, और वापस आपको हंसा देगी जब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप रोने लग रहे थे, और एंड में प्लीज़ टिश्यू पेपर्स जो हैं वो थोड़े से साथ में रख लेना, बहुत काम आएंगे. तो मिमी आ गई है जियो सिनेमास पे और नेटफ्लिक्स पे, तो जो भी प्लेटफॉर्म है प्लीज एक मिमी नाइट आपको करनी है अपनी फैमिली के साथ. लक्ष्मण सर, मिमी जियो पे और नेटफ्लिक्स पे आ गई है ऑलरेडी, और जब थिएटर खुले थे तो हम लोग फैमिली के साथ थिएटर में जाके फिल्म देखते थे. वो इवेंट होता था हमारे लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, बट OTT पे ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत कई बार ऐसे सीन्स होते हैं या ऐसे शॉर्ट्स होते हैं जो फैमिली के साथ देख नहीं पाते, स्किप करने पड़ते हैं, बट मिमी में कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है. पूरी फैमिली साथ में बैठो, ह्यूमन इमोशंस, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप्स, मदर,
आपकी माँ ने आपको जन्म देते हुए कितना दर्द सहन किया है वो भी देख लेना एक बार। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बार फिल्म देख के अपनी माँ को थैंक यू भी बोल। बिल्कुल। और मिम्मी को ऐसा लगता है कि वो झट से पैदा बच्चा अंदर डालेगी और फट से निकाल देगी, पर ऐसा होता है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। बट अगर हम बात कर थोड़ा कुछ तो मिमी का कोई तो डायलॉग बोल दीजिए, कुछ तो अपने स्टाइल में बोल दीजिए। अभी तो बोला है नहीं, जो आपका वो एक्सेंट है पैसे वाला वैसे वाला कुछ एक्सेंट कुछ तो बोलिए व्यूअर्स को। कौन सा? I'm so 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 happy Mimi। हाँ? समर बोलती है ना? Thank you, I'm so so happy। अब हमें भी happy करो। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत congratulations आपकी पूरी टीम को एक बेहतरीन फिल्म व्यूअर्स को देने के लिए। शुक्रिया। किससे शादी की तूने? कौन है इसका बाप? मिम्मी बोल दी तूने। यो यो यो